हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एक दफा जो है वो मौका मिला दाऊद को जो है वो अपने दुश्मन को मारने का। हम सब जानते हैं कि दाऊद का दुश्मन जो है वो साउल जो है वो उसके जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ था। और एक दफ़ा जो है वो मौका मिला, दाऊद ने जो है वो साउल को नहीं मारा। दूसरी दफ़ा फिर दोबारा से जो है वो साउल जो है वो दाऊद के पीछे आए। और वो क्या करने आए थे इस वक्त जो है वो साउल दोबारा से जो है वो दाऊद की जान लेने आया। लेकिन क्या हुआ, आए हम खुदा उनके कलाम में से देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। ये खुदा के ममसू के खिलाफ जो है वो बोलना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर जो है वो खुदा के ममसू के जो है वो, क्योंकि दाऊद जो है वो खुद भी खुदा का ममसू था, लेकिन वो जानता था कि साउल के ऊपर भी जो है वो सैमुएल ने जो है वो ऑयल के साथ उसे मस्सा किया था, वो जानता था। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है दाऊद ने कहा, कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है 1 Samuel 26:9 उसकी वर्स, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे कत्ल ना कर क्योंकि कौन है, क्या कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, कौन है जो खुदावन के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहराए। खुदा के ममसू के खिलाफ जो है वो हम लोग आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर लेते हैं। हम जो है वो समझते हैं कि खुदा के ममसू के खिलाफ हम कुछ भी बोल देंगे तो खैर है, कुछ नहीं होगा। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो आज आपको और मुझे क्या सिखा रहा है, खुदा का कलाम आपको और मुझे क्या सिखा रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है कि खुदा के ममसू के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। या खुदा के ममसू के खिलाफ जो है वो क्या कर दाऊद कह रहा है, दाऊद कह रहा है कहा कि उसे कत्ल ना कर। दाऊद को मौका मिल गया और जो दाऊद के इस वक्त साथ था उसने बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला सो अब तू ज़रा मुझको इजाज़त दे कि नेज़े के एक ही वार में मैं उसे ज़मीन से पेवंद कर दूं और मैं उस पर दूसरा वार करने का भी नहीं। उसने बोला कि मैं उसे क्या कर दूंगा, ज़मीन के साथ पेवंद कर दूंगा, तू बस एक ही दफ़ा बोल दे। लेकिन दाऊद जानता था कि वो खुदा का ममसू है। दाऊद ने बोला नहीं, दाऊद ने यहाँ पर क्या कहा, दाऊद ने कहा उसे कत्ल ना कर क्योंकि कौन है जो खुदावन के ममसू पर हाथ उठाए और बेगुनाह ठहराया। और दाऊद ने यह भी कहा कि खुदावन की हयात की कसम, खुदावन आप उसको मारेगा या उसकी मौत का दिन आएगा या वो जंग में जाकर मर जाएगा। दाऊद ने बोला वो किसी और तरीके से मर जाएगा लेकिन मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं उसके खिलाफ नहीं करूँगा। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने जो है वो खुदा के ममसू को जान कर, चाहे वो जो है वो उसकी जान का दुश्मन बना पिड़ा था, वो जो है वो किसी भी तरीके से जो है वो दाऊद को मारना चाहता था, उस वक्त जो है वो वहाँ पर भी पहुँच गया और दाऊद की जान लेना चाहता था। लेकिन दाऊद ने कहा कि नहीं, ये खुदा का ममसू है, इसके ऊपर ऑयल उंडेला गया। दाऊद ने कहा इसके ऊपर ऑयल उंडेला गया, चाहे ऑयल कुप्पी के साथ था लेकिन उन ऑयल जो है वो उंडेला गया। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दाऊद के ऊपर जो ऑयल उंडेला गया, हम सब जानते हैं कि दाऊद की असल से, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, दाऊद की असल से जो उंडेला गया था ऑयल, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यहूदा का शेरे बब्बर कौन है, आप कौन, मेरा यसु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और वो किसकी असल से आए थे, वो दाऊद की असल से आए थे। आमीन हालेलुया, दाऊद की नस्ल से। आज आएँ खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। जो अनॉइंटिंग होती है वो बहुत काम करती है, जो अनॉइंटिंग जो है आपकी लाइफ में वो बहुत जोरावर होती है। आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड।